प्रखंड मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जनावल पंचायत का राजा डेरा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। आजादी के बाद से बिजली, सड़क, पानी, नेटवर्क की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। यह गांव अपने विकास के लिए मुद्दतों से इंतजार कर रहा है। गांव में आज तक जन प्रतिनिधियों की नजर नहीं पड़ी है, कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे यहां की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। गांव में रोजगार के अभाव के कारण प्रत्येक वर्ष गांव के कई बेरोजगार युवा शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण पास्कल मुंडा, किशन मुंडा, जोवा के मुराम, अजित टोपो, विमल उराम, अमित बाड़ा सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि हमारे लिए दिन रात बराबर है, हम आज भी घिबरी जलाकर अपने घर को उजाला करते हैं। रोजगार की कमी होने के कारण अधिकांश युवा शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर मनरेगा के द्वारा काम देने का ढिंढोरा पीटा जाता है, पर हम सब जानते हैं कि उसमें काम कागजों पर होता है और भूखे व्यक्ति को रोटी चाहिए, कागज से इंसान का पेट नहीं भरता, इसलिए मजबूरी का नाम है पलायन। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा में बिचौलिया हावी है। गांव में जो भी योजना मनरेगा के अंतर्गत चलती है उसमें तो बिचौलियों के माध्यम से ही काम कराया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई ऐसे योजनाएं संचालित हुई जिसमें ग्रामीणों को मजदूरी कराया गया, मगर अब तक मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। कितने दिन से नहीं मिल रहा था यहाँ टीका? मतलब कोरोना के पहले मिल रहा था बच्चों के लिए, कोरोना टीका मिला, उसके बाद तो इधर मिल भी नहीं किया है टीका। बाबा आप लोग को राशन मिलता है? मिलता है। कहाँ से मिलता है? डिपाड़ी। डिपाड़ी पहाड़ के नीचे से ढोके लाते हैं। ढोके लाते हैं तो बराबर मिलता है कि कभी रुकता भी है? बराबर मिलता है। बराबर मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? पास्कल। कितना केजी आपको मिलता है? मुंडा। कितना केजी आपको राशन मिलता है? 35। कितने साल बाद आज टीका मिल रहा है? 3 साल। तो इस बीच बच्चों को टीका नहीं दिया गया? नहीं, नहीं दिया गया। तो ऐसे ही है कि कहीं टीका दिलवाए? ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिना टीका के? बिना टीका के ही है। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर मुंडा है सर। ये जो आपके गांव में आंगनबाड़ी बन रहा है तो ये इसका काफ़ी अधूरा है, ये देख रहे हैं अधूरा है, ये कितने दिन से अधूरा है? 3 साल लगभग हो रहा है। 3 साल हो रहा है। तो अभी यहाँ आंगनबाड़ी चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा। क्या नाम हुआ आपका? विजय। हाँ विजय। विजय के बोलिए। हम लोग यहाँ काम किए ना। हाँ। पैसा नहीं दिया है? पैसा नहीं दिया है? नहीं, 1500। कौन मुखिया थे? वही जो हम लोग का गबरेल उड़ाओ। अच्छा अच्छा, गबरेल खुदी। हाँ। तो इसको क्या बना रहा है आपको पता नहीं है? वही तो आता था इसमें, वही बना रहा था। अच्छा, तो पैसा आप लोग को नहीं मिला है? मजदूरी नहीं मिला है? नहीं मिला। एक साल हो ये गया। एक साल हो गया। आपको? हमको पैसा कहाँ मिला है? हमको नहीं मिला है। आप ही काम करते थे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? किशुन। किशुन मुंडा है। किशुन मुंडा। अच्छा। और आपका? अखिलेश उराव। यही बोलना है सर, कहे कि हम लोग कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के इधर बात करते हैं, सिर्फ बात ही कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग खाली बस बिना काम का मोबाइल है, यही है कि हम लोग अच्छा से पढ़ाई भी नहीं कर पाता है बच्चा लोग, है कि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। बिजली तो खाली पोल खुटा है सर, वही खाली हम लोग का बिजली है, बस तार खींच दिया है, बस उतना ही है। और बिजली का बिजली बल्ब तो हम लोग देखे नहीं किए हैं, एक बार आया था सर, उसके बाद में नहीं आया। कितने साल पहले? मैंने 5-6 साल हो जा रहा है सर। सुधीर मुंडा है सर। आपका बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई में तकलीफ? गाँव में टावर लागे चाहिए? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।